नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 1600 मीटर रेस को आप 45 दिन में 5 डाउन मार सकते हो। दोस्तों आप लोग 4:40 4:45 आराम से रेस पार कर लोगे अगर आप ये तरीका अपनाओगे जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बस 45 दिन ये तरीका फॉलो करना है। दोस्तों हम आपको गारंटी तरीके से बोल सकते हैं कि दोस्तों आप लोग 5 मिनट में 1600 मीटर रेस जो है मार सकते हो, और उसके हिसाब से आपको एक डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी और आपको ये रूल भी फॉलो करने पड़ेगा। तो रूल फॉलो करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों, उसमें हम जो रेस बताएंगे आपको एक हफ्ते की बताएंगे, मतलब हर हफ्ते में जितने दिन होते हैं सात सातों दिन की अलग अलग रेस बताएंगे। और दोस्तों उस रेस में आपको किसी दिन 100 मीटर भी मारनी पड़ेगी, किसी दिन 400 मीटर, किसी दिन 800 मीटर, और किसी दिन 1600 मीटर, और किसी दिन 3 या किसी दिन 5 किलोमीटर आपको रेस जो मारनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये रूल आप फॉलो करोगे ना तो आपके 4 चांस लग जाएंगे 45 दिन में। और दोस्तों एक रूल होता है कि भर्ती से 3 महीने पहले अगर आप तैयारी करते हो तो आपके भर्ती में लगने के 70% चांस हो जाते हैं, आप अगर जी जान से मेहनत करते हो। और अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे रूल फॉलो करोगे और अच्छी डाइट लोगे, ठीक है, जैसे चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, और जैसे सोयाबीन होते हैं, इन सबको गला के खाया जाता है मॉर्निंग में। दोस्तों आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपकी जो बहुत ताकत बढ़ती है। तो आप लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अब बात करते हैं मंडे की। दोस्तों मंडे को आपको क्या करना है, 400 मीटर के 5 राउंड मारने हैं। ठीक है, अगर आपके ग्राउंड नहीं है, आप रोड पर रनिंग करते हो, दोस्तों आपको पता ही होगा 400 मीटर का, उसी 400 मीटर को जाना और 400 मीटर आना, ऐसा करके 5 राउंड आपको मारने हैं। ठीक है, पहले दिन आपको 5 राउंड मारने हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो धीमे, मतलब स्टार्टिंग के 2 हफ्ते धीमे धीमे करें, बाद में बढ़ा सकते हो अपनी स्पीड। ठीक है, आपको अगर दौड़ मतलब टाइमिंग नहीं आती है दोस्तों, लेकिन आपको रनिंग पूरी करनी है। ठीक है, आपको रनिंग पूरी करनी है, टाइमिंग आपकी आ जाएगी प्रैक्टिस से बाद में, लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना जितना बोला जा रहा है उतना जरूर करना। मंडे को आपको 400 मीटर के 5 राउंड मारने हैं। ठीक है, मतलब आपकी 2 किलोमीटर की रेस हो गई। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की, जिसको बोला जाता है ट्यूजडे, मंगलवार को। मंगलवार को क्या करना है, 100 मीटर रेस के 10 राउंड मारने हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे राउंड होते हैं ना, तो ये आपकी इम्यूनिटी को, और मतलब एक तरह से वो स्प्रिंट होती है दोस्तों, छोटी छोटी स्प्रिंट होती हैं, तो उसमें ये बहुत बूस्ट करते हैं। जैसे आपका चौथा चक्कर चलता है, उसमें अगर 100 मीटर रह जाता है ना, तो हर जगह और हर जगह का भागना, दोस्तों आपको पता ही होगा 1600 मीटर के ट्रैक में 1600 1800 ऐसे करके आपके लिए मेजरमेंट बन जाता है, क्योंकि अगर आप उस गोले से थोड़ा बाहर भी भागते हो ना तो 1600 मीटर रेस आपके लिए ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये मंगलवार के लिए 100 मीटर के 10 राउंड हो गए। दोस्तों अब लेके चलते हैं आपको बुधवार को। दोस्तों वेडनेसडे बुधवार को आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर की रेस माननी है। गोले में मारते तो गोले में मारो, दौड़ आपको पूरी करनी है, चाहे आप रोड पे मारो चाहे किसी ग्राउंड में मारो। ठीक है, सीधा मकसद ये है कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी ही करनी है। आप लोग बस ये रूल फॉलो कर लें। दोस्तों आपको पता ही होगा कि निरंतर मतलब कंटिन्यू काम करने वाले को एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, उसकी दौड़ भी अच्छी बन जाती है, स्टेमिना अच्छा बन जाता है, वो बहुत तेज बूस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्सडे की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 किलोमीटर की रेस जो है आपको मारनी। ठीक है, 5 किलोमीटर की होगी, उसके बाद 3 किलोमीटर की रेस मारनी। दोस्तों आप ऐसा मत करना कि 3 की जगह कि अरे मेरे में बहुत ताकत है मैं 6 किलोमीटर की मार देता हूँ, ऐसा नहीं, जितना बोला गया उतना ही करो। आर्मी में भी रूल होता है दोस्तों, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रनिंग कर लोगे ना, तो अगर आप वहाँ को ज़्यादा फालतू करोगे ना, कि मतलब वहाँ आपसे जैसे उन्होंने बोला कि वो सब मतलब सॉरी वो होती है ना, वहाँ पर जो एक गार्टर मिलता है, उस गार्टर पर लटक के आपको बीम लगानी पड़ती है, आपसे बोला जाता है कि 6 बीम लगाओ या 9 बीम लगाओ या 10 लगाओ, आपने 10 की जगह अब 20 मार दी ना, वो आप पर 40 लगवा लेंगे, और ऐसे वो फिर आपको मतलब आपको बहुत परेशान कर देंगे। तो जितना बोला जाता है उतना करना चाहिए। ठीक है, हमने आपको क्या क्या बता दिया, मंडे सोमवार को बता दिया, मंगलवार को, बुधवार को, और बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को आपको 3 किलोमीटर की दौड़ जो है मारनी है। अब बात आ जाती है शुक्रवार की, फ्राइडे की। दोस्तों शुक्रवार को क्या करना है, 800 मीटर के 2 राउंड लगाने हैं। ठीक है, मतलब आपकी टोटल 1600 मीटर रेस हो जाएगी। ऐसा नहीं करना दोस्तों, जैसे 800 मीटर के 2 राउंड हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसा मत करो ना कि 1600 मीटर सीधी मार दी ना, 800 मीटर आप नाप लेना। ठीक है, 800 मीटर नाप लेना, अगर रोड पर मारते हो ना तो
तो देखिए, रोड पे मारते हो तो सीधे 800 मीटर का आना जाना, 1600 मीटर हो गया खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे करके 2 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और बात आती है आपकी सैटरडे की, सैटरडे को क्या करना है, 1600 मीटर के 2 राउंड मारने हैं दोस्तों, ठीक है। 1600 मीटर के 2 राउंड आपको कंप्लीट करने हैं, आपकी 3200 मीटर रनिंग हो जाएगी। ये आपका बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों, ठीक है। 1600 मीटर होगी आपके, यहाँ पर 800 मीटर भी होगी, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 और 400, ठीक है। तो ये आपकी इतनी जो रनिंग यहाँ पर हो गई। आप दोस्तों इन रनिंग को आप टाइमिंग से पूरा करोगे ना, आपके 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आपका स्टेमिना भी इतनी अच्छी तरह से बूस्ट होगा, और आप अपनी जो डोज होती है सुबह खाने वाला, तो डाइट को भी अच्छी तरह से मैनेज करना है आपको, ठीक है। और संडे को दोस्तों आपको क्या करना है, संडे को रेस्ट करना है। संडे को रेस्ट करोगे आपके शरीर को आराम मिलेगा, और मंडे को, मंडे से जो आपका रूल है उसको फॉलो करते जाओगे दोस्तों, निरंतर इसी काम को करोगे ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। हमारी आपके साथ सारी दुआएं हैं, हम भी आशा करेंगे आपकी नौकरी मिले, आपको वर्दी मिले, ठीक है। और दोस्तों अब ये फाइनल हमने आपके लिए तैयार कर दिया, इंस्टाग्राम पर हमने ये फोटो अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और यहाँ तक हमारी चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपका कोई भी कैसा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका जवाब हम देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मतलब हम लाइव जो रनिंग करते हैं हमारे यहाँ पर ग्राउंड में, तो या रोड पर, तो उन बच्चों की भी हम आपको रनिंग जो दिखाएंगे, उसके लिए आपको फॉलो करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। जय जवाहर, वंदे मातरम। और आपसे कुमारी प्यारे दिल से राम राम।